आज पूरा देश 40 से ज़्यादा जवानों की शहादत के वजह से शोक में है। पूरा देश चिल्ला रहा है कि बदला लो। हर किसी का खून खौल रहा है, हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इसी बीच सरकारी भी एक्शन में है। सरकार के जो गृह मंत्री हमारे राजनाथ सिंह, वो श्रीनगर का दौरा करने जा रहे हैं। मीटिंग्स लगातार चल रही हैं और मीडिया को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि इस मीटिंग से रिलेटेड या इस इशू से रिलेटेड कोई भी गोपनीय खबर मीडिया में ना दिखाई जाए। तो इससे साफ पता लगता है कि मोदी सरकार एक्शन में है और जरूर कोई बड़ा कदम उठाने जा रही होगी, और ज़रूरत भी है आज इस बड़े कदम की। अगर आज हम पीछे हट गए तो ये बहुत शर्म की बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान को अब उसी की भाषा में जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं ऐसे दो पॉइंट बताऊंगा जो मीडिया ने अभी तक नहीं बताएंगे। कल भी मैंने एक ऐसा वीडियो निकाला था और शायद मैंने आपको बोला भी था कि मीडिया उस खबर को नहीं दिखाएगी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको उस वीडियो में दी थी, और वो शक मेरा सही था। अभी तक वो पॉइंट्स जो मैंने उस वीडियो में बोले थे अभी तक मीडिया ने नहीं दिखाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबको उस पॉइंटों के बारे में बहुत जानना बहुत ज़रूरी है जो कल मैंने उस वीडियो में बताए थे। आज भी इस वीडियो में मैं दो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, दो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शायद आपको अभी तक पता नहीं लगी हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आम जनता तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि किस हिसाब से इसको प्लानिंग की गई थी, क्या इसके इनपुट थे गवर्नमेंट के पास कि नहीं कि ऐसा हमला हो सकता है, और इस हमले के बाद पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है, बड़े बड़े नेता किस तरह के रिएक्शन कर रहे हैं, वो भी जनता को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब हम सबको जागरूक बनना है, हमें समझना है, सोचना है कि कौन इस देश के लिए सही है, कौन इस देश के लिए गलत है, और कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। देखिए, इस पूरे हमले में एक सबसे बड़ा सवाल जो अभी तक मीडिया ने नहीं उठाया कि वो कार उस सीआरपीएफ के ट्रक तक पहुंची कैसे, क्या कोई चेक पॉइंट्स नहीं थे, क्या कोई चेक पोस्ट नहीं था। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी विस्तार से और पूरी रिसर्च करके बता रहा हूँ, पूरे फैक्ट्स के साथ बता रहा हूँ, तो उसको सुनिए। देखिए, अगर हम दिल्ली में भी कहीं जाते हैं या अपने लोकल में भी कहीं हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में, तो हमारी कार हर जगह चेक होती है। आप दिल्ली में अगर आपने देखा होगा तो दिल्ली में हर चेक पोस्ट पर अपनी कारें, अब लोकल की हो वो कार या तो बाहर से आई हो, चेक पोस्ट पर चेक होती है। श्रीनगर जैसे और जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में क्या कोई चेक पोस्ट नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि जिस रोड पर यह हादसा हुआ है पुलवामा में, वहाँ 3 चेक पोस्ट थे, और उन 3 चेक पोस्टों को कुछ महीनों पहले पूरी प्लानिंग के साथ, मुझे लगता है कि पूरी प्लानिंग के साथ बंद करवा दिया गया। कैसे, वो आप सुनिए। आज से कुछ महीनों पहले एक कार उन 3 चेक पोस्टों से गुजरी, उसमें कुछ कश्मीरी यूथ थे। उन कश्मीरी यूथ ने पूरी स्पीड के साथ 2 चेक पोस्टों को ध्वस्त कर दिया, मतलब पूरी स्पीड से कार से उसको तोड़ दिया। और जैसे ही वो तीसरे चेक पोस्ट पे पहुंचे तो वहां पे तैनात जवान को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि एक ऐसी कार है जो 2 बैरियर तोड़ के आगे बढ़ चुकी है। तो उस जवान ने ड्राइवर में बंदूक तान दी और उसको वहीं के वहीं मार दिया। उसके बाद कश्मीर में पूरा विरोध हुआ इसका, भारी संख्या में लोगों ने विरोध किया। महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी की उस टाइम पे मुख्यमंत्री थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस जवान को तिहाड़ जेल भेज दिया। पर लोकल के लोगों के कहने पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में जितने भी बैरियर्स और जितने भी चेक पोस्ट थी उन सबको बंद करवा दिया लोकल लोगों के लिए। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में चेक पोस्टों को बंद करने का मकसद क्या था? अगर वो चेक पोस्ट आज वहाँ होते और 300 किलो जो उस कार में विस्फोटक था, अगर उसकी चेकिंग हो जाती तो सारे शायद आज हमारे जवान बच जाते और देश को एक काला दिन नहीं देखना पड़ता। दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो बहुत बड़ी बात है। गौरव प्रधान नाम के एक ऐसे डेटा साइंटिस्ट जो कि US में रहते हैं, ऐसे NRI हैं जो इंडिया को हमेशा अपनी नॉलेज के बेस पे इनपुट देते हैं। जब भी कोई ऐसा अटैक या जब भी कोई ऐसी बड़ी बात हो तो वो इंडियन गवर्नमेंट को हमेशा इनपुट देते हैं कि ऐसी बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा है और आप सतर्क रहिए। कल भी जब पुलवामा अटैक होने जा रहा था उसके पहले 7 तारीख को, मतलब एक हफ्ते पहले ही 7 फरवरी को उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को अलर्ट कर दिया था। उन्होंने ट्वीट किया था, वो ट्वीट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उन्होंने कोड वर्ड में हालांकि वो ट्वीट किया था, लेकिन वो ट्वीट डायरेक्टली पुलवामा अटैक से ही मैच हो रहा है, आप देख सकते हैं। उन्होंने बताया था कि दुबई में मीटिंग हुई है और ऐसा होने वाला है, बड़ा अंदेशा है कि कश्मीर में कुछ घटित होने वाला है, और वो हुआ भी। इसके पहले भी गौरव प्रधान ने कई ऐसे सारे राज, कई ऐसे सारे इनपुट गवर्नमेंट्स को दिए थे। जैसे 26/11 का इनपुट के पहले उन्होंने एक ट्वीट जारी किया था, जनरल पुरोहित जिसको शायद 26/11 की पूरी नॉलेज थी, उन्होंने बताया था कि जनरल पुरोहित की गिरफ्तारी जो हुई है वो एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि उनको पूरी जानकारी थी इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। और ऐसे कई और बड़े राज्य जैसे US का जब चुनाव हुआ था तो गौरव प्रधान ने अपने ट्वीट में बताया था इनडायरेक्ट वे में कि अगले प्रेसिडेंट जो US के होंगे वो ट्रंप ही होंगे। उसके बाद गौरव प्रधान का अगर आप ट्विटर हैंडल खोलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो शायद आप देखकर शॉक भी हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े डेटा साइंटिस्ट माने जाते हैं, दुनिया के साइंटिस्टों में से एक डेटा साइंटिस्ट गौरव प्रधान जी हैं। इसको जरूरत है सारे राजनीतिक दल एक साथ खड़े होकर, मोदी के साथ एक साथ खड़े होकर
इसका विरोध करें, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। आज हमें ज़रूरत है राजनीति की रोटियां ना सेकें, क्योंकि जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार दिलक रहे हैं। अगर हम उनके परिवार को देखेंगे तो शायद हमारा दिल पसीज जाएगा और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सभी राजनीतिक दलों से विनती है, कुछ टाइम के लिए राजनीति छोड़ दें और इस पर ध्यान दें आज, क्योंकि आज अगर एक्शन नहीं लिया तो हम उन 42 जवानों के परिवार को मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।